कहते हैं प्यार अंधा होता है और जिसे एक बार प्यार हो जाए उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही एक मामला बैतूल जिले के बीजाही थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक युवती अपने गांव में रहने वाले प्रेमी से शादी करने की बात को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है, लेकिन घर वाले शादी करने को तैयार नहीं थे। जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। जी हाँ, ये कहावत एक बार फिर बैतूल जिले के बीजादेही थाना क्षेत्र के एक गांव में फिर चरितार्थ साबित हुई। दरअसल 20 वर्षीय शारदा यादव को अपने ही गांव में रहने वाले इंग्लेश यादव से प्यार हो गया। दोनों शादी के बंधन में बंधना भी चाहते थे, लेकिन परिवार ना इसके लिए राजी नहीं हुए, जिससे परेशान युवती शारदा यादव अपने कुछ परिजनों के साथ बीजादेही पुलिस थाने पहुंची, जहां उसने अपने प्रेमी से शादी कराने के लिए पुलिस से मदद की गुहार लगाई। शारदा यादव और उसका प्रेमी इंग्लेश यादव दोनों बालिग होने के कारण पुलिस ने उनके परिजनों को पुलिस थाने बुलाकर समझाइश दी, जिसके बाद पुलिस थाने के बाहर स्थित संत गुरु साहब बाबा के मंदिर में प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को फूलों की माला पहनाकर जन्मों जन्म के लिए एक दूजे के हो गए। मैडम, आपके थाने में आज जो शादी हुई है, इसका क्या मामला है? नर्मदा प्रसाद की लड़की शारदा यादव, 20 साल की थी, वो थाने में आई और साथ में उसके परिचित वगैरह भी आए और उसने बताया कि हम दोनों, मैं गांव के एक लड़के से जिसका नाम इंग्लिश यादव है, मैं हम लोग दोनों एक दूसरे से 2 साल से जानते हैं, लेकिन उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं हुए और मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ और वो कहीं उसके लिए लड़की देख रहे हैं। तो फिर लड़के को बुलवाया, इंग्लिश को बुलवाया, उसके माता पिता को बुलवाया, फिर लड़के लड़की के माता पिता आपस में बहस कर, क्योंकि कल इनकी एक दिन पहले ही इनकी पंचायत में बहस हो गई थी कि हम ये करेंगे, लड़की की शादी नहीं करेंगे। तो फिर दोनों को समझाने पर दोनों पार्टी मान गई। लड़की ने कहा यदि मेरी शादी इंग्लिश से नहीं हूँ तो मैं कुछ भी गलत कदम उठा लूँगी। तो फिर मैंने दोनों पार्टी को बुला करके समझाया और समझाने के बाद फिर उन्होंने कहा यदि ये लड़का लड़की शादी करना चाहते तो कहीं भी करें। तो फिर गांव के चार बुजुर्ग लोगों ने भी समझाया कि थाने के पास में एक इनका गुरु साहब बाबा यादव समाज का मंदिर है, हम लड़की की शादी वहीं कर देते हैं। तो फिर मेरे समझाने पर, मतलब पुलिस द्वारा समझाने पर, दोनों पार्टी ने मान गई और फिर दोनों लड़का लड़की की शादी, दोनों पक्षों ने अब कपड़े ला करके लड़की की शादी करवा दी, लड़का लड़की, और फिर लड़की शारदा अपने पति इंग्लिश के साथ चली गई। पुलिस के सहयोग से इन दोनों की शादी। फिलहाल अजब प्रेम की गजब कहानी में पुलिस की एंट्री के बाद जहां प्रेमी प्रेमिका शादी के बंधन में बन गए, वहीं परिजनों ने भी अब अपने बच्चों के फैसले को स्वीकार कर लिया है। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।